इन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिर्जापुरी यूट्यूबर में। देखिए, अब हम आ चुके हैं बाबा विश्वनाथ मंदिर, जो कि BHU कैंपस में स्थित है। यह मंदिर बहुत ही भव्य तरीके से इस मंदिर का निर्माण किया गया है। इस मंदिर के अंदर सफ़ेद संगमरमर की पत्थर लगी हुई है, आप देख पाएंगे। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस मंदिर का निर्माण किया गया है। इस मंदिर के मध्य भाग में शंकर जी की दिव्य शिवलिंग स्थापित है, आप देख पाएंगे। यहाँ का व्यू बेहद ही शानदार है। देखिए, ये यहाँ का मेन गेट, इसी मेन गेट के अंदर हम प्रवेश करेंगे और आपको दिखाएंगे बाबा विश्वनाथ का दिव्य दर्शन कराएंगे। हम बन रहे हैं हमारे साथ वीडियो में, वीडियो के अंदर तक हमारे साथ घूमिए बाबा विश्वनाथ टेम्पल। देखिए, हम टेम्पल के अंदर आ चुके हैं। अंदर आते ही आपको खूबसूरत पार्क दिखाई देगा, जहाँ पर BHU कैंपस के लोग और छात्र आकर यहाँ पर बैठते हैं और यहाँ के खूबसूरत दृश्य का इंजॉय करते हैं, अपना कुछ टाइम स्पेंड यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे मदन मोहन मालवीय जी की दिव्य प्रतिमा भी बनी हुई है, और ठीक सामने देख पाएंगे BHU कैंपस का बाबा विश्वनाथ मंदिर, जो कि बेहद ही खूबसूरत तरीके से इस मंदिर का निर्माण किया गया है। आप देख पाएंगे हरे भरे पेड़ भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अभी हम देखिए दूसरा द्वार से मंदिर के अंदर हम प्रवेश करने वाले हैं। आप देख पाएंगे मंदिर के अंदर का यही मुख्य द्वार है, यही से हम मंदिर के अंदर प्रवेश होंगे। अब हम आपको लेकर चलेंगे मंदिर के अंदर। आप देख पाएंगे खूबसूरत सीढ़ियाँ बनी हुई है, वो भी संगमरमर का। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया, इंस्ट्रक्शन को जरूर फॉलो करें। देखिए, अब ठीक हमारे सामने जो छोटा सा द्वार दिखाई दे रहा है, उसी द्वार के अंदर है विश्वनाथ जी की प्रतिमा, जो कि एक शिवलिंग के रूप में स्थापित है। आप देख पाएंगे इसकी बनावट बेहद ही शानदार है, जिसका बनावट है बेहद ही बेजोड़ तरीके से इसका निर्माण किया गया है। आप देख पाएंगे यहाँ पर आकर आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अगर आप भी वाराणसी आते हैं तो यहाँ पर एक बार जरूर आए। आप देख पाएंगे इसका दृश्य बेहद ही शानदार है, खूबसूरत डिजाइन में इसको तैयार किया गया है। देखिए, मैं अभी आपको लेकर चलेंगे उस दिव्य शिवलिंग के पास। अब ठीक सामने देख पाएंगे द्वार बना है, उसी द्वार के अंदर है बाबा विश्वनाथ का शिवलिंग। अभी हम आपको शिवलिंग के पास ले चलेंगे और शिवलिंग का दिव्य दर्शन कराएंगे। अब बन रही हमारे साथ वीडियो में, वीडियो के अंदर तक देख पाएंगे लोग यहाँ पर, जो बाबा विश्वनाथ का यहाँ पर शिवलिंग स्थापित है, लोग यहाँ पर जल चढ़ा रहे हैं। अब देख पाएंगे खूबसूरत तरीके से इसका निर्माण किया गया है। अब देख पाएंगे ये जो पैलेस बना हुआ है मंदिर, बेहद ही शानदार तरीके से इसका निर्माण किया गया है। अभी हम आपको बाहर ले चलेंगे और बाहर का दृश्य दिखाएंगे। मंदिर के ठीक उत्तर साइड में बना है नंदी जी की प्रतिमा, भी हम आपको नंदी जी की प्रतिमा के पास ले चलेंगे और उनका आपको दिव्य दर्शन कराएंगे। आप देख पाएंगे इसका प्रांगण बहुत ही अच्छा और खूबसूरत तरीके से इसके प्रांगण का निर्माण किया गया है। यहाँ पर BHU कैंपस के छात्र छात्राएं आकर अपना टाइम स्पेंड किया करते हैं, क्योंकि इस मंदिर की जो बनावट है बेहद ही शानदार है। आपको खूबसूरत पार्क भी दिखाई देंगे यहाँ पर। देखिए, अभी हम पहुँच चुके हैं जहाँ पर नंदी जी की प्रतिमा है, वहाँ पर अब देख पाएंगे ठीक सामने है नंदी जी की प्रतिमा विद्यमान है। यहाँ पर लोग नंदी जी की भी परिक्रमा कर रहे हैं और उनका पूजन कर रहे हैं। चलिए, हम और आगे लेके चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ को जो खूबसूरत पार्क है उसका दृश्य। अब देख पाएंगे अभी इस समय धूप बहुत तेज है, फिर भी आप देख पाएंगे इसका व्यू बेहद ही शानदार है। ये मंदिर का पीछे का भाग है, फिर भी आपको ये चारों तरफ से मंदिर देखने में एक ही तरह का लगता है। इसकी बनावट और डिजाइन बेहद ही शानदार है। अब देख पाएंगे पीछे से बाबा विश्वनाथ का BHU का मंदिर कैसा दिखाई देता है, देख पाएंगे बेहद ही अद्भुत दृश्य है इस समय यहाँ का। अभी हम इसकी आपको फर्स्ट फ्लोर पर ले चलेंगे और वहाँ से इसका दृश्य दिखाएंगे, क्योंकि ऊपर भी शिव जी की प्रतिमा बनी हुई है और ऊपर से यह दृश्य देखने में और भी ज़्यादा शानदार दिखाई देता है। ये यहाँ का है हवन कुंड, इसी में हवन किया जाता है। हम देख पाएंगे BHU कैंपस का बाबा विश्वनाथ मंदिर का दृश्य। अभी हम आपको ऊपर ले चलेंगे और ऊपर से इस खूबसूरत वातावरण और मंदिर का दृश्य दिखाएंगे। आप बने हमारे साथ वीडियो में, वीडियो के अंत तक हमारे साथ घूमिए यह खूबसूरत मंदिर। देखिए, आप जो सीढ़ियाँ बनी हुई, सभी सीढ़ियाँ संगमरमर की पत्थर से बनी हुई हैं। अब देख पाएंगे बेहद यहाँ पर सब सफाई की भी व्यवस्था की गई है और लोगों को भी यही यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि कृपया से मंदिर परिसर में गंदगी न फैलाएं। देखिए, हम अभी आ चुके हैं जहाँ से हम आए थे, इंटर हुए थे गेट से, ठीक सामने दिखाई दे रहा है वो गेट। अब यहाँ से देख पाएंगे इसकी खूबसूरती बेहद ही शानदार दिखाई दे रही है।
यह प्रतिमा बहुत ही अद्भुत दिखाई दे रही है। इसमें आप देख पाएंगे ऐसा अद्भुत दृश्य है यहाँ का। फिर हम और आगे लेके चलते हैं और आगे का दृश्य दिखाते हैं। इस मंदिर में और भी चीज़ें हैं जो आपको मंत्रमुग्ध कर देंगी। अगर आप भी BHU बनारस आते हैं तो यहाँ पर एक बार जरूर आएँ, देख पाएंगे कैसा अद्भुत दृश्य है यहाँ का। देखिए हम अपने थोड़ी सी झलक दिखाते हैं आप लोगों को। इस मंदिर का प्रांगण देख सकते हैं कैसा अद्भुत दृश्य है यहाँ का। यह बेहद ही शानदार है यहाँ का माहौल और वातावरण। अगर आप यहाँ पर भी आते हैं तो यहाँ का एक बार इंजॉय ज़रूर करें। देख पाएंगे यहाँ से जो है यहाँ का व्यू पॉइंट है, यहाँ पर आप फोटो शूट कर सकते हैं, सेल्फी ले सकते हैं, जो कि बेहद ही शानदार है। अब देख पाएंगे नीचे का भाग, यहाँ से मंदिर के अंदर इंटर हुए थे, अब देख पाएंगे ऊपर से कैसा दिखाई दे रहा है। इसकी जो खम्भे बने हुए हैं वो भी संगमरमर के पत्थर से बने हुए हैं और खूबसूरत डिजाइन भी की गई है। आप देख पाएंगे कैसा दृश्य है यहाँ का। और आगे चलते हैं और आगे का दृश्य दिखाते हैं। चलिए हम यहाँ से बाहर चलते हैं और बाहर से आपको दिखाते हैं बाबा विश्वनाथ का प्रांगण और यहाँ का जो पार्क बना हुआ है उसका दृश्य दिखाते हैं। आप देख पाएंगे कैसा अद्भुत दृश्य है यहाँ का। वाह यार, जस्ट इमेजिन, बहुत शानदार है। हम यहाँ से और आगे लेके चलते हैं और आगे का आपको दृश्य दिखाते हैं। आप बन रहे हमारे साथ वीडियो में, वीडियो के अंत तक हमारे साथ घूमिए यह खूबसूरत विश्वनाथ मंदिर। आप देख पाएंगे बहुत ही साफ सुथरा यह है मंदिर। और ठीक सामने जो द्वार दिखाई दे रहा है उसी में शंकर जी की प्रतिमा विद्यमान है। आप देख पाएंगे यहाँ पर लोग महाराज का दर्शन भी कर रहे हैं, भोलेनाथ जी का। और ठीक आगे लेके चलेंगे और आगे का दृश्य दिखाएंगे आप। इसकी बनावट देख पाएंगे आप, बेहद ही शानदार है। इसके बगल में है राम सीता जी की प्रतिमा भी बनी हुई है, जो कि बेहद ही खूबसूरत तरीके से इसका निर्माण किया गया है। हम अभी उसके पास लेके चलते हैं और यहाँ से आपको दर्शन कराते हैं। बगल में यहाँ आप देख पाएंगे दीवारों पर भी खूबसूरत चित्रण किया गया है। Thank you.
आई होप कि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में अगले लोकेशन पर, तब तक के लिए नमस्कार प्रणाम हर हर महादेव।